अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो है वो आपको वॉलीबॉल का मैच दिखाएंगे जो हमारे यहाँ पे साइड के एरिया में जो खेला जा रहा है। बरसात का मौसम है, आप देख सकते हैं पीछे जो है वो इस खुली जगह के अंदर कितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, लेकिन लोग जो हैं वो अपने शौक़ को जो है वो पूरा कर रहे हैं और जो है वो वॉलीबॉल का मैच जो है जो इलाकों के अंदर ट्रेडिशनली किस्म के मैचेस जो हैं वो खेले जाते हैं आपस के दो तीन ग्रुपों के दरमियान। तो चलें आपको दिखाते हैं, ठीक है। हम ये साथ में खुली जगह है, इसके अंदर चार दीवारी के अंदर मैच का इंतजाम किया हुआ है। पीछे से कमेंट्री की आपको आवाज़ आ रही होगी जो है वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। चलें आए देखते हैं और आपको भी इंजॉय करवाते हैं। नहीं जी, हम आ गए हैं यहाँ पे। ये देखें कितने ज़्यादा तमाशाई हैं, कुछ दीवारों पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। ये देखें जी मैच हो रहा है। शकरगढ़ से आई हुई है और एक यहाँ की है। ये मैच जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। ये पीछे कमेंटेटर साहब कमेंट्री कर रहे हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हमने आपको एक ट्रेडिशनली खेले गए वॉलीबॉल मैच का मुख्तसर सा हाल बताया। आमतौर पर ये खेल नापैद होते जा रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट इनमें ख़त्म होता जा रहा है। असल में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं कि जो इतनी ज़्यादा गैर नसाबी किस्म की सरगर्मियाँ जो फिज़िकली परफॉर्म कर सकें। बहुत ज़्यादा फास्ट दौर हो गया है, लोग अगर किसी को टाइम मिलता है तो वो जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या जो है वो कहीं बाहर खाना खाने की सूरत में जो है वो एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। इस तरह की जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी जो क्रिकेट की सूरत में, हॉकी की सूरत में, कबड्डी वॉलीबॉल की सूरत में जो इलाकों में खेली जाती थी, और अगर गली मोहल्लों की बात करें तो गुल्ली डंडा और जनाब इस तरह के छोटे छोटे खेल जो थे वो खेले जाते थे, वो अब ख़त्म हो चुके हैं। बहरहाल जो लोग खेलते हैं उनकी भी जो है वो अभी समझ लें कि कसरत तो नहीं लेकिन अफराद वो मौजूद हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जहां रहें खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।